गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू फोर सक्सेस चैनल पे। IBPS RRB PO एंड क्लर्क के टू डू लिस्ट का आज डेट 17 है, जो कि हमारा 45 डेज स्टडी प्लान चल रहा है। आई होप कि आप उसे 100% फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली आप खुद में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, क्योंकि यदि आप फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट डे से ही हर एक चैप्टर को धीरे धीरे एकदम स्मूथ और क्लियर करते हुए हर एक चैप्टर को चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो इस बार सिलेक्शन डेफिनेटली पक्की है आपकी। तो आप इसी तरीके से टू डू लिस्ट के फॉलो करते रहो। देखो, स्टार्ट हर कोई करता है बट इन हर कोई नहीं करता है। ठीक है, बहुत कोई होंगे जो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, बट लास्ट तक वही बने रहेंगे जो वो बच्चे जो कि सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इंड तक वही बच्चे रहते हैं जो कि सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस टू डू लिस्ट को 100% दे रहे हो। यदि आप फर्स्ट बार इस टू डू लिस्ट को देख रहे हो तो आप एक बार अपना इस टू डू लिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अभी एग्जाम में टाइम है, आप अभी से फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको एग्जाम तक बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। आप खुद में देखोगे कि आपको कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, चलिए हम अपने टू डू लिस्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं टू डू लिस्ट आज का हमारा क्या है। ठीक है, टू डू लिस्ट पे जाने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। सही बात है, यदि जो इंसान सक्सेस जो है ना, उसकी सबसे खास बात यही होती है कि जो मेहनत करता है उस पर फिदा हो जाती है। डेफिनेटली यदि आप मेहनत कर रहे हो तो वो आप पे फिदा होगी, मीन्स कि आपको सिलेक्शन पक्का है कि होगी ही होंगी। ठीक है, चलिए हम टू डू लिस्ट को देखते हैं। मॉर्निंग का हमारा टाइम है, जो कि हम देते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। इस सारे क्वेश्चन को हमें मॉर्निंग में हम करते हैं। मॉर्निंग में इसलिए करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या है, स्पीड बूस्टअप है। ठीक है, तो हम ये सारे चीज़ मॉर्निंग में करते हैं। उसके बाद आती है न्यूज़पेपर की, जो कि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ने हैं। हिंदी आरआरबी का एग्जाम है तो बहुत बच्चे मेंस में क्या लेंगे, हिंदी लेंगे। तो हिंदी का संपादकीय पेज जो होता है वो आप हिंदी में पढ़ रीड करो। ठीक है, और आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो उस वर्ड मीनिंग का क्या करना है, वर्ड सिलेक्शन करके आपको रखना है वर्ड मीनिंग का। ठीक है, जो आपको नहीं आता उसे नोट डाउन करना है और उसे बार बार रिवीजन करते रहना है। उसके बाद आता है हमारा, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें करेंट अफेयर पे देना है, जो कि आप या तो वीडियो सोर्सेज से करते हो तो वीडियो सोर्सेज फॉलो करो, या फिर आप PDF से भी करेंट अफेयर कर सकते हो। आप हमारे ऐप ज्ञान नीति ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको ये करेंट अफेयर की एक कोर्स मिलेंगी, जो कि आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस से आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। उसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये भी कि प्रीवियस मंथ के भी मिलेंगे, और अभी करेंट चल रहा है वो भी मंथ, और आने वाले मंथ के भी आपको करेंट अफेयर उसमें मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको हिंदी पे देने हैं 1 आवर जी। ठीक है, आपको 1 आवर हिंदी पे देने हैं, जो कि उनका नाम वर्मा की बुक है, ये सामान्य हिंदी है, ये व्याकरण की बुक है, आप इसे कर सकते हो। या नहीं तो आप एक बुक ले लो जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, और पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट आप हिंदी के भी करो, क्योंकि हमें मेंस में यदि आप हिंदी लेते हो तो हिंदी को भी बहुत अच्छा करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें रीजनिंग पे देना होता है। तो रीजनिंग पे आप सेलोलिज्म का 15 क्वेश्चन करो, और उसमें पॉसिबिलिटी केस करना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस 15 क्वेश्चन करना है, और आप वीडियोज भी सेलोलिज्म के देख लो। ठीक है, और उसके बाद पजल 4 आपको प्री लेवल के पजल करना है, और एक आपको पजल करना है जो कि मेंस लेवल के। ठीक है, एक पजल का सेट आपको मेंस लेवल के करने हैं। चलिए उससे आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। इसके बाद हम आते हैं क्वांट सेक्शन पे। तो क्वांट में हमको DI करना, तो मॉर्निंग में तो हम सिर्फ स्पीड बूस्टअप में सिर्फ हम क्या करते हैं,
सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन ये सारे क्वेश्चन कर दे, तो अभी आपको क्वांट और एथमेटिक को देना है। तो आप क्वांट में सबसे पहले डीआई को दो, जो कि प्री लेवल के फोर्स है आपको करने हैं। उसके बाद आपका एस आई एन सी आई के 15 क्वेश्चन ईडी टू मॉडरेट करना है, ठीक है। उसके बाद डीआई के वन सेट मेंस के आपको डीआई के करने हैं, ठीक है, वन सेट मेंस के करने हैं। उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे इंग्लिश के कंजक्शन प्रैक्टिस पे करने, जो कि आपको कंजक्शन का जो आप जो जितने पढ़ चुके हैं उस पर 20 क्वेश्चन आप कंजक्शन का आपको प्रैक्टिस करना है। आप लूसेंट से कर सकते हो, एस टी बक्से से कर सकते हो, पैरामाउंट बुक मिनी तो मैम की जो है उससे भी कर सकते हो, या आपके पास जो भी बुक है आप उससे 20 क्वेश्चन आप कंजक्शन के करो, ठीक है। और एक आरसी का एक सेट करो जो कि मेंस लेवल का होना चाहिए, और ट्रिपल फिलर वन सेट मेंस लेवल का, ठीक है, ट्रिपल फिलर वन सेट मेंस लेवल का। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे इसमें कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना कि जो प्री के करेंगे सिर्फ तो नहीं होगा, तो हम अल्टरनेटिव पे कर रहे हैं, तो एक रोज हमारा क्या रहता है प्री लेवल का रहता है, और एक दिन हम लोग मेंस लेवल के आरसी को करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है वो कैब डिवीजन की, ठीक है, 1 आवर हम देते हैं जिसमें हम हाफ आवर देते हैं वो कैब पे, और हाफ आवर देते हैं हम कैब करेंट अफेयर की क्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पे, ठीक है। तो आपको ये सारे चीज करने हैं। उसके बाद आपको रात में क्या करना है, आपको 1.5 आवर मैंने दिया है, ठीक है, इसमें आपको 2 स्लॉट में करना है, एक आपको कंप्यूटर करना है, एक आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है। तो कंप्यूटर आपको अभिषेक सर करवा रहे हैं, तो अभिषेक सर को फॉलो कीजिए, वहाँ से आप वीडियो देखिए, और वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाते हैं, और वहाँ से आप क्वेश्चन भी कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको एग्जाम आते तक आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस में आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस की कोर्स भी आपको हमारी ज्ञान नीति साइट पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाओ, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है, आप लॉगिन करो और वहाँ पे आप जाके विजिट करो, और आपको फ्री मटेरियल भी आपको ज्ञान नीति ऐप पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से फ्री मटेरियल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर के भी एक कोर्सेज है, ठीक है, जिसमें आपको 500+ कंप्यूटर के कोर्सेज मिलते हैं, और ये बायलिंगुअल है, तो यहाँ से भी कंप्यूटर के आप क्या करते हो प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने करेंट अफेयर के बारे में बताई थी, ये यही कोर्सेज है जिसमें आपको करेंट अफेयर के हर एक चीज़ इसमें क्लियर होगा। तो आप डेफिनेटली जाओ एक बार देखो, डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद जो आपको बैंकिंग के लिए ये कोर्स है वो बैंकिंग के लिए, ठीक है। और IBPS आरआर में PU एंड कलर के मॉक टेस्ट भी है, आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो, जो कि मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है, ठीक है, 100 से कम के ही प्राइस में मॉक टेस्ट है, क्योंकि वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं अफोर्ड कर पाते, ठीक है, उनके पास अभी वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में फाइनेंशियल कंडीशन सबके पास है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग सोचे कि नहीं बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखना है, एकदम मिनिमम प्राइस, क्योंकि कुछ हर एक बच्चे इसको ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टू डू लिस्ट कैसा लग रहा है, और आपके लिए ये टू डू लिस्ट कितना बेनिफिट है, ठीक है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।